Presenting Civil Guruji app, available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं रविशंकर सिंह, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आपको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो जो होने वाला बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हर एक इंसान का एक चाहत होता है कि उसका खुद का घर हो। किसी न किसी रूप में वो अपना जब घर बनाते हैं तो अगर उनको जरूरत पड़ता है होम लोन लेने के लिए तो बैंक की तरफ जाते हैं। जब बैंक के पास जाते हैं तो बैंक उनसे कुछ जरूरी कागजात मांगते हैं, जिसमें से एक आता है नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता क्या है, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट इज इशूड टू इंश्योर दैट देयर आर नो इनकम्बरेंस ऑन द प्रॉपर्टी बीइंग ऑफर्ड एज सिक्योरिटी। यहाँ पे कह रहा है कि नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो है इंश्योर करता है बैंक वाले या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी तरह का किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं। दैट मींस द प्रॉपर्टी इज नॉट केप्ट विद एनी अदर बैंक फॉर लोन एंड द टाइटल डीड सबमिटेड इज ओरिजिनल एंड बिलोंग टू द पर्सन। नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपको एक प्रूफ देता है बैंक को कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी तरह का किसी भी बैंक से कोई लोन नहीं है। और ये जो प्रॉपर्टी है, दिस मतलब जो भी व्यक्ति जो सबमिट कर रहा है बैंक में अपना होम लोन के लिए, उससे ये प्रॉपर्टी बिलोंग करता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाई डू यू नीड ए नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, आपको जरूरत क्यों पड़ता है। जरूरत तब पड़ेगा जब आप किसी तरह का होम लोन ले रहे हो या किसी नया प्रॉपर्टी आपको चाहिए, तो उस समय आपको एक नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का जरूरत पड़े। यहाँ पर लिखा हुआ यू नीड टू गेट ए नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट व्हेन यू विश टू बाय एनी प्रॉपर्टी एंड अप्लाई फॉर ए होम लोन अगेंस्ट इट। मतलब कोई आपके पास प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट में आप होम लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बैंक वाले जो है मांग करेंगे नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। और ए जो है नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ये आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है बैंक वाले को डिटेल, ये आपका उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे 13 से 30 साल के बीच में जो भी उस पर ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना बार वो खरीद बिक्री हुआ है या किसी बैंक में कोई मॉर्गेज तो नहीं लिया गया है उसके, इस सर्टिफिकेट में पूरा एक एक जानकारी रहता है, जो कि बैंक वाले इंश्योर हो जाते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इनसे बिलोंग करता है और इनको लोन देना है या ना देना है, वो नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपका देख के ही वो डिसाइड करेंगे। अब बात करते हैं हु इशूज ए नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट कौन इशू करता है। जिस भी व्यक्ति का नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेना है और वो जो प्रॉपर्टी है उनका जिस भी रजिस्ट्रार ऑफिस के क्षेत्र में आता है, वहाँ का जो तहसीलदार है या बोल लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस, वहाँ से ही आपको मिलेगा नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। आगे बात करते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। क्या प्रोसेस होता है नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेने के। पहले आपका जो तहसीलदार होता है उसको आपको फॉर्म 22 दो रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प के साथ भर को देना होता है, पहला। दूसरा, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको उस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप आपको प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे कि आपका वो जमीन अगर रजिस्ट्री करवाए होंगे तो आपके पास केवाला होगा, केवाला आप दे सकते हैं। तीसरा जो है, जो आप तहसीलदार को इतना दे देंगे तो तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, सबमिट ज्यूरिडिक्शनल सब रजिस्ट्रार ऑफिस अंडर विच द प्रॉपर्टी कम, जहां पे वो प्रॉपर्टी जिस भी रीजन में आ रहा है वहां का ज्यूरिडिक्शनल सब रजिस्ट्रार के पास वो सबमिट करेंगे। इसके बाद क्या होगा, तहसीलदार जो है उस पे रिव्यू करके रिपोर्ट प्रॉपर्टी का देंगे। और इस प्रोसीजर को पूरा होने में मिनिमम 15 से 30 दिन का समय लगेगा। फाइनली जो है पांचवा, द सर्टिफिकेट इज ऑलवेज इशूड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए न्यू फाइनेंशियल ईयर। ये जो सर्टिफिकेट जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला रहता है, उसका आपको ये बना के रिपोर्ट देते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के बारे में क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, क्यों जरूरत पड़ता है, कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।